गाइस मेरे पास आ गया है यहाँ पे स्टूडियो के अंदर क्रॉस बीट्स का रोड आई DC03 डैश कैमरा एंड ये काफी कमाल का हमें डैश कैमरा देखने को मिलता है। इसमें आपको दो कैमरास देखने को मिलते हैं, यानी कि आप कार के फ्रंट एंड बैक से वीडियोस वगैरह को शूट कर सकते हो। प्लस अगर आपकी कार में एडास भी नहीं है ना तो इसके अंदर आपको एडास के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। एंड ओवरऑल इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। अब चलते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। गाइस अब यहाँ पे करते हैं बॉक्स को ओपन। बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है DC03 का फ्रंट कैमरा। सो यहाँ पे ये फ्रंट कैमरा यूनिट आपको देखने को मिल जाती है, कुछ इस तरीके की आपको मिलती है। देन जैसे आप लोग बॉक्स को और ओपन करोगे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा के लिए केबल्स मिल जाती है, तो ये आप फ्रंट कैमरा को इससे पावर दे सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे रियर कैमरा यूनिट विद केबल देखने को मिलती है, सो ये भी आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। देन आपको कुछ यहाँ पे माउंट्स देखने को मिलते हैं जिनको आप स्टिक कर सकते हो और इनके ऊपर यहाँ पे इस डैश कैम को लगा पाओगे। देन आपको यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल देखने को मिलती है, सो अगेन इन QR कोड को स्कैन वगैरह करके आप लोग आराम से यहाँ पे अपनी यूज़र मैनुअल फ़ोन में ही चेकआउट कर पाओगे। देन इस प्रोडक्ट के साथ वैसे आपको 6 मंथ्स की वारंटी मिलती है, लेकिन यहाँ पे इसको स्कैन करके आपको एडिशनल 6 मंथ्स की वारंटी और देखने को मिल जाएगी इस प्रोडक्ट के साथ। बाकी आपको कुछ यहाँ पे टूल्स मिलते हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा वायर्स वगैरह को लगाना। बाकी बॉक्स के अंदर अभी आपको दो चीज़ें और देखने को मिल रही है। ये आपको दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म मिल जाती है जिनको आप मिरर के ऊपर लगा सकते हो, सो इनसे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इस डैश कैम को इंस्टॉल करना। देन यहाँ पे आपको कार के लिए ये वाला चार्जर मिल जाता है जो कि आपके कार के 12 वोल्ट सॉकेट के अंदर जाएगा, तो ये इसी के थ्रू आप अपने फ्रंट कैमरा को यहाँ पे पावर वगैरह भी दे पाओगे। गाइस अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पावर कनेक्शन की। तो आप अपने किसी भी नियरेस्ट वर्कशॉप के अंदर जाके इस डैश कैम को फिट करवा सकते हो। मैंने भी अपना प्रोफेशनली यहाँ पे फिट करवा लिया है। देन जो आपकी फ्रंट यहाँ पे कैमरा यूनिट रहने वाली है, इसी के थ्रू वायर जाते जाते पीछे वो प्रोफेशनली लगा देंगे, एंड जो आपका रियर कैमरा है वो भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग दो चीज़ें कर सकते हो। जो हमें बॉक्स के अंदर जो हमें 12 वोल्ट का अडैप्टर मिलता है, मैंने अभी डायरेक्टली उसी से इसे कनेक्ट करवा लिया है। आप चाहो तो अपनी कार की बैटरी से भी इसको फुल टाइम कनेक्ट करवा सकते हो, तो 24 आवर्स आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। गाइस इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हो। लगाने के बाद दोनों कैमराज यहाँ पे स्लाइड डिग्री आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं। देन आपको यहाँ पे कुछ फिजिकल बटन्स देखने को मिलते हैं जिसमें फ्रंट जो आपको कैमरा यूनिट देखने को मिलती है, इसमें आपको मेन्यू का बटन मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे एरोज की मिल जाती है जिनके अंदर आप मेन्यू में अप एंड डाउन कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे इमरजेंसी लॉक मिल जाता है एंड एक ओके का बटन मिल जाता है। साइड में अगर आप लोग देखोगे आपको SD कार्ड स्लॉट मिलता है, माइक का कटआउट मिलता है एंड आपको एक पावर ऑन ऑफ का बटन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आउटडोर में आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके सेटिंग्स एंड इसके फीचर्स के बारे में। अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे इसका मेन्यू। जैसे आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पे वीडियो सेटिंग्स देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोग डैश कैम का रिजोल्यूशन देख सकते हो। रिजोल्यूशन के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजोल्यूशन को सेलेक्ट कर सकते हो। जो बैक कैमरा रहेगा वो तो 1080p के अंदर फिक्स है, लेकिन आप जो फ्रंट कैमरा उसको मैक्सिमम 2160 पिक्सल्स के ऊपर लेके जा सकते हो, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड अलग अलग तरीके के यहाँ पे आपको रिजोल्यूशंस देखने को मिलते हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। देन जो आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है ये है लूप रिकॉर्डिंग का। लूप रिकॉर्डिंग में यहाँ पे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो आप कितने कितने मिनट्स की यहाँ पे वीडियोस बनवाना चाहते हो। तो मैक्सिमम अगर हम लोग लूप में देखें तो हम 3 मिनट्स को लगातार शूट कर सकते हैं, तो 3-3 मिनट के पार्सल्स के अंदर आपकी वीडियोस यहाँ पे सेव होती जाएगी। सो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको एक सिंगल वीडियो ही चाहिए तो आप लूप रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हो, तो आपको एक बड़ी वीडियो ही देखने को मिल जाएगी। देन आपको यहाँ पे एक्सपोजर देखने को मिलता है, तो इन टोटल आपको यहाँ पे 13 एक्सपोजर मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने भाई नीड के अकॉर्डिंग आराम से एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हो अपने सनलाइट एंड अगेन आपके जो भी एरिया के अंदर कंडीशंस हैं लाइट की, आप उसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। देन आपको टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है, इसी के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो आप टाइम लैप्स के अंदर भी वीडियोस वगैरह को यहाँ पे बना पाओगे। देन आपको ऑडियो रिकॉर्ड का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे ऑडियो वगैरह को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगेन ये एक और अच्छा आपको फीचर देखने को मिल जाता है, तो वीडियो के साथ यहाँ पे आपके ऑडियो भी सेव हो जाएगी आपके डैश कैम के अंदर।
तो ये सारी चीज आपको मिलती है, प्लस आपको यहाँ पे स्टैम्प भी देखने को मिलता है जिसमें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि भाई आपको जो वीडियो जब आप लोग को देखोगे एसडी कार्ड के अंदर, तो आपको नीचे स्टैम्प्स देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चाहिए, डेट एंड टाइम चाहिए, कार की स्पीड भी आपको रियल टाइम में उस टाइम दिखती रहेगी, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वगैरह, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, आपको जो भी स्टैम्प्स चाहिए। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है वीडियो रिकॉर्डिंग जी सेंसर, यानी कि जब आपने अपनी गाड़ी को पार्क करके रख दिया है तो यहाँ पे अगर गाड़ी पे इम्पैक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन उसी की यहाँ पे आप लोग सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपको लेवल्स देखने को मिल जाते हैं, तो अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेवल्स को एडजस्ट कर सकते हो। 9th लेवल तक देखने को मिलता है, यानी कि हाई इम्पैक्ट अगर डिटेक्ट होता है तो आप यहाँ पे इसकी ऑटोमेटिकली वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हो। देन पार्किंग मोड जी सेंसर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिसके अंदर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। देन 24 आवर्स आपको यहाँ पे ऑटो पार्किंग मोड देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी रिकॉर्डिंग चालू रहेगी जब आपकी गाड़ी पार्किंग के अंदर भी है, तो यहाँ पे डैश कैम रिकॉर्ड करता रहेगा। इसी के अंदर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, आप टाइम लैप्स, 1 FPS एंड जी सेंसर वगैरह करके आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो गाइज, ये थी इसकी वीडियो सेटिंग्स। अब आप लोग जैसे मेन्यू को प्रेस करोगे, अब आप लोग आ जाओगे सिस्टम सेटिंग्स के अंदर, जहाँ पे आपको मेन चीज़ मिलती है सबसे पहले वाईफाई। तो आपके डैश कैम के अंदर एक वाईफाई है, आप लोग ऐप से इसी के वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट करके ऐप ही के अंदर सारी फुटेजेस वगैरह को देख पाओगे। तो वाईफाई को ऑन ऑफ करना आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है। देन आपको यहाँ पे एडास देखने को मिलता है, एडास में आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे ओपन असिस्टिव ड्राइव यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, फॉरवर्ड कोलिजन की वार्निंग आपको मिलेगी, बाकी आपको लेन डिपार्चर वार्निंग भी देखने को मिलता है इस वाली डैश कैम के अंदर, तो एडास के फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। देन आप लोग अगेन डेट एंड टाइम वगैरह आपको मिलता है, डेट फॉर्मेट, क्लॉक फॉर्मेट, स्क्रीन सेवर आप लोग यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, बीप की साउंड, स्पीकर की वॉल्यूम, देन आपको बूट अप टोन वगैरह वो सारी चीज़ें एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, वॉइस गाइडेंस वगैरह ऑन करना चाहते हो वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रीन पे जो मैं अभी आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ पे डैश कैमरा की दिन में परफॉर्मेंस है, सामने वाला कैमरा जो फ्रंट कैमरा है वो 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, एंड जो बैक कैमरा है वो 1080p में यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो दिन में आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, ये रात की फुटेज है, अगेन यहाँ पे 4K में फ्रंट से शूट हो रहा है एंड बैक में 1080p में शूट हो रहा है, अगेन यहाँ पे भी आपको वीडियो क्वालिटी डिसेंट देखने को मिल जाती है नाइट टाइम में भी। तो ये ए वाली एप्लीकेशन है गाइस, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो एंड आराम से इस डैश कैम के अंदर जो वाईफाई है उसको सबसे पहले अपने फ़ोन के वाईफाई को ओपन करके उसमें कनेक्ट कर लेना। सो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, देन इस एप्लीकेशन के अंदर आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। तो ये मेरा जो डैश कैम का वाईफाई है वो कनेक्ट हो चुका है, देन अब मैं इस एप्लीकेशन के ऊपर जाता हूँ, देन अब आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सो भी आपको साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिख रही है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपको दिख जाएगा जो मैं अभी फ़ोन के अंदर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको नीचे कनेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया एंड वाईफाई कनेक्ट सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा आ गया है। सो इस तरीके से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, देन आप अब रियल टाइम में कैमरा की फीड देख पाओगे। सो अभी मुझे यहाँ पे फ्रंट फीड दिख रही है, मेरे नीचे की तरफ आपको GPS की लोकेशन भी देखने को मिल जाएगी। देन स्विच कैमरा करते हैं, यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आप लोग डायरेक्ट बड़ा सा रियर व्यू कैमरा भी देख सकते हो, प्लस फ्रंट प्लस स्मॉल को एक साथ भी देख सकते हो। देन रियर पे मैं आ गया हूँ, तो मुझे अब यहाँ पे रियर भी क्लियरली दिख रहा है। बाकी ऐप के अंदर आप लोग यहाँ पे प्लेबैक वगैरह ये सारी चीज़ें देख सकते हो, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो आप पास्ट रिकॉर्डिंग वगैरह देख सकते हो और सारी चीज़ें इस डैश कैम की इस एसडी कार्ड के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है। अगर मैं इस एसडी कार्ड को आपको निकाल के दिखाऊं, सो ये सारी चीज़ें इस एसडी कार्ड के अंदर रिकॉर्ड हो रही है। आप अपने लैपटॉप के अंदर जाओगे, आपको क्रॉस बीट्स का एक सेपरेट फोल्डर दिख जाएगा इस एसडी कार्ड के अंदर, आपकी सारी लूप वीडियोस, अगर आपने लूप में सेट नहीं करा हो तो आपको लॉन्ग लेंथ वाली वीडियो सब देखने को मिल जाएगी। एंड दो वीडियोस आपको मिलती है हर एक टाइम स्टैम्प के अंदर, वो है फ्रंट कैमरा की एंड रियर कैमरा की, तो दोनों आपको साथ देखने को मिल जाएगी। तो काफ़ी ईजी है यहाँ पर आपकी सारी वीडियोज़ को एक्सेस करना, फ़ोन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो और पैन ड्राइव निकाल के लोकली अपने लैपटॉप वगैरह के अंदर भी एक्सेस कर पाओगे। गाइज, ओवरऑल मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोडक्ट देखने को मिला, एक बहुत ही अच्छा डैश कैम है जो कि आपको 10,000 रुपीज में देखने को मिल जाता है। प्लस अगर आप लोग क्रॉस बीट्स की वेबसाइट से बाय करते हो ना, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो
CB Mihi 10 और आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा क्रॉस बीट्स की वेबसाइट के ऊपर। तो डेफिनेटली आप लोग कंसिडर कर सकते हो इस डैश कैम को बाय करना, काफी अच्छी आपको क्वालिटी देखने को मिलती है, प्लस आपके कार का फ्रंट और बैक यहाँ पे कंप्लीटली आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो और आपकी गाड़ी यहाँ पे सेफ रहेगी। डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट करो, लिंक आपको बायो में देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर।